राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, उसकी तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही हैं। मैंने भी जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जन्माष्टमी की झांकियां तैयार हो चुकी हैं। सभी झांकियां मैंने घर पर ही बनाई हैं और बहुत ही कम समय में, कम से कम बजट में मैंने ये झांकियां तैयार की हैं। ये झांकियां मैंने कैसे तैयार की हैं घर पर ही, ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। पहला दृश्य है कारागार का। इसे बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज किया है, जिसके ऊपर ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट किया है। आप चाहे तो इसे ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। और ये सलाखें बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर स्टिक्स का यूज किया है, इसके ऊपर ब्लैक कलर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए एक स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं। और देवकी बनाने के लिए मैंने एक डॉल का यूज किया है, जिसे व्हाइट साड़ी पहनाकर तैयार किया है। और वासुदेव जी बनाने के लिए मैंने एक बुक में से पिक्चर कट करके इसे वासुदेव जी का रूप दिया है। और मेरे पास ये एक बेबी की रिंग था, जिसे मैंने मोर पंख लगाकर कान्हा जी का रूप दिया है। ये पहरेदार जेल के बाहर खड़ा है। एक बड़ा बेबी की रिंग था, जिसे मैंने पहरेदार बनाया और इसके हाथ में एक फ्रूट स्टिक से बनाए भाला पकड़ा दिया। बहुत ही सुंदर लग रही है ये कारागार की झांकी। इसे आप बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं। और दूसरी झांकी है यमुना पार करते हुए वासुदेव जी की। इसे बनाने के लिए मैंने एक ट्रे मेरे पास घर एक्स्ट्रा रखी हुई थी, जिसे मैंने पानी भर के इसे यमुना नदी का रूप दिया है और पत्थरों से डेकोरेट किया। आप भी किसी भी कलर के पत्थरों से, कलरफुल पत्थरों से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और वासुदेव बनाने के लिए मैंने एक डॉल का यूज किया है, जिसे धोती पहनाकर वासुदेव जी का रूप दिया है, दाढ़ी लगा दिया है और बाल वगैरह बना दिए इनके। अब इनके सिर पर एक टोकरी बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी कान्हा जी की कटोरी को यूज किया है और इसके अंदर छोटे से बेबी कान्हा जी को लेटा दिया है। और ये शेषनाग बनाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया, जिसके ऊपर ब्लैक कलर करके शेषनाग जी का रूप दिया है। ये छोटी सी झांकी हमारी तैयार होगी यमुना पार करते हुए वासुदेव जी की। आइए अब चलते हैं नंद भवन की ओर। ये एक छोटा सा चिड़ियों के लिए मैंने एक घर बनवाया था, जो मेरे पास रखा हुआ था, उसे मैंने अभी यूज नहीं किया, तो सोचा यहाँ इसे यूज कर लेती हूँ। इसे मैंने नंद भवन का रूप दिया है। इसके ऊपर चार्ट पेपर पेस्ट करके मैंने इसे बहुत ही सुंदर सा रूप दिया है। और पिलर बनाने के लिए न्यूज़पेपर स्टिक का यूज किया है, छोटी छोटी मटकियाँ जिसमें माखन रखा हुआ है, कान्हा जी आएंगे माखन खाएंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा नंद भवन। इसे लाइटों से मैंने डेकोरेट किया है और नंद भवन के आसपास मैंने ये वृक्ष लगाए हैं, जो मैंने बाहर से टहनियाँ तोड़कर लगाए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगली झांकी की ओर। गौशाला, कान्हा जी की गौशाला। इसका बेस बनाने के लिए मैंने एक गत्ते का यूज किया है। आप चाहें तो किसी बोर्ड का यूज भी कर सकते हैं। और इनके पिलर बनाने के लिए मैंने थ्रेड रोल यूज किया है। अगर आपके पास थ्रेड रोल ना हो तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। और इसकी फेंसिंग बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर स्टिक्स का यूज किया है। इस गौशाला की छत बनाने के लिए एक गत्ते के ऊपर न्यूज़पेपर स्टिक्स लगाई है और कलर किया है, जिससे गौशाला की छत तैयार होगी। और ये गवाला मैंने एक डॉल से बनाया है, जिसे व्हाइट धोती और व्हाइट पगड़ी पहना दिया है। ये बाल्टी लिए दूध दोहने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये बाल्टी बनाने के लिए मैंने एक दवाई के ढक्कन से एल्युमिनियम फॉइल लपेट के एक तार लगा के एक बाल्टी तैयार की है। और गौशाला के लिए गाय मैंने एक टॉय शॉप से लिया है। आप चाहें तो किसी बुक में से गौ की पिक्चर कट करके पेस्ट कर सकते हैं। ये छकड़ा गाड़ी, इसे बनाने के लिए मैंने एक बैंगल जिसके ऊपर थ्रेड लपेट कर एक पहिया बनाया है और इसे गाड़ी तैयार की है। इसे भी आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। और ये कान्हा जी और गाय माता मैंने अपने मंदिर से उठाकर यहाँ बिठाए हैं। आइए चलते हैं अगली झांकी की ओर। ये है यशोदा मैया। इसे बनाने के लिए भी मैंने एक डॉल का यूज किया है, जिसे लहंगा दुपट्टा चोली बनाकर मैंने खुद ही इन्हें तैयार किया है। और इनकी ज्वेलरी ये सब मैंने ही अपने हाथों से बनाई है। ये माखन बिलो रही हैं, कान्हा जी भी आएंगे और माखन खाएंगे। और ये बिलोने वाली माखन मटकी, इसे मैंने बाजार से ही लिया है और डेकोरेट किया है। इसे मैया यशोदा माखन निकाल रही हैं। और ये दूसरी मटकी,
ये मिट्टी के बरवे मिलते हैं मटके वाली शॉप पे, वहाँ से लेकर इसे मैंने खुद से कलर रेड कलर करके इसके ऊपर व्हाइट कलर से पेंट करके डेकोरेट किया है, और इसमें माखन के लिए माखन बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया है। और ये हमारे छोटे से बाल गोपाल कन्नू, इनका नाम मैंने कन्नू रखा हुआ है, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैया माखन निकाल रही है और ये माखन चट कर रहे हैं, सारी मटकी खाली करके या मटकियाँ तोड़ देते हैं, बहुत ही नटखट है हमारे काना। आइए चलते हैं अगले झांकी की ओर। उखल बंधन लीला, ये काना जी बनाने के लिए मैंने एक डॉल ही यूज़ की है, आप भी चाहें तो एक डॉल से बना सकती हैं। और इन्हें मैंने एक पीली धोती और पगड़ी पहनाकर छोटा सा बाल गोपाल काना जी का रूप दिया है। ये उखल से बंधे हुए हैं, बहुत ही नटखट हैं। इन्होंने माखन मटकियाँ तोड़ी और मैया ने इन्हें उखल से बांध दिया। और ये पेड़ बनाने के लिए थर्माकोल शीट का यूज़ किया है, इसके ऊपर कलर करके अंदर मिट्टी भर के इसमें रियल के पेड़ पौधे लगा दिए। और ये लकड़ी की उखल मेरे पास घर में ही रखी हुई थी, इसे मैंने कान्हा जी के पीछे रख के एक डोरी से कान्हा जी को बांध के ये झांकी तैयार की है। तो आइए चलते हैं अपनी आखिरी झांकी की ओर, गोवर्धन पर्वत। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, मिट्टी तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी। आप मिट्टी से एक पहाड़ बनाइए और उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए। अगर आपके पास नकली पौधे हैं तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप रियल की पौधे की डंडियां तोड़कर उसे भी यूज कर सकते हैं। और ये आगे पत्थरों से डेकोरेट किया है मैंने, आप भी चाहे तो इसे पत्थरों के ऊपर कलर करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और आगे मेरे कान्हा जी खड़े हैं। और फेंसिंग बनाने के लिए मैंने थ्रेड रोल का यूज किया है, आप भी थ्रेड रोल से फेंसिंग बना सकते हैं। और छोटे छोटे जानवर खड़े कर दिए, और तैयार होगी हमारे गोवर्धन पर्वत की झांकी। बहुत ही सुंदर लग रही है, सबसे अच्छी झांकी मुझे यही लगी है, आप भी इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। और ये तालाब बनाने के लिए मेरे पास एक ट्रे रखी हुई थी, इसमें मैंने पानी भर दिया और पौधे और फूल डाल के इसे एक तालाब का रूप दिया है। तो देखा आपने कैसे घर में रखे सामान से हम कितनी सुंदर सुंदर झांकियां घर पर ही बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये झांकियां पसंद आई होंगी। आपको कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूंगी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।